टीम को पहले गिरफ्तार किया गया था, नव गौतम और जानवी आलम को। उससे पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान विस्तृत पूछताछ की गई और उपलब्ध साक्ष्य तथा नए तथ्यों के आधार पर तीन और व्यक्तियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम इरफान खान जो कि मूलतः बीड महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, दूसरा राहुल भोला जो कि उत्तम नगर में दिल्ली के रहने वाला है, और मनु यादव क्योंकि जो गाँव में जाना रहने वाला है। तीन व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, उसके अंदर इंटरप्रेटर का कार्य करता है और इस कारण भी इसकी मूक एंड बधिर लोगों के बीच बहुत अच्छी पकड़ है। इरफान खान मूक बधिर को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्म की बुराइयां बताता है तथा तरह तरह के प्रबंधन लेकर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तैयार करता है। इसके पश्चात इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता है। उमर गौतम और जहांगीर आलम पूर्व में ही हमारे रियासत में है। राहुल भोला भी एक मूक बधिर व्यक्ति है और इरफान खान के साथ मिलकर ये मूक बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा ही मनु यादव और आदित्य गुप्ता इत्यादि का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मनु यादव भी एक मूक बधिर व्यक्ति है और इसके द्वारा आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया गया है। इसके द्वारा अपने घर में पूजा स्थल में रखी गई मूर्तियों को भी तोड़ा गया है। मनु यादव पूछताछ पर ये ज्ञात हुआ है कि इस्लाम धर्म के प्रति अति कट्टर हो गया है। एटीएस के द्वारा इन तीनों अभियुक्तों को जो मूल अभियोग है 9/2021 इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा आगे इनसे पुलिस कस्टडी रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।